बात है गिरे रे इतना पागल हो तुम वेलकम बैक टू माय चैनल। सो अभी हम पूरे रेडी देख रहे हो पूरा रेडी वेडी हो चुके हैं और अब हम निकल रहे हैं। ठीक है बच्चे भी तैयार हो गए जाओ 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 नहीं कह रहा बोलो जाओ हाँ दीदी दीदी एकदम बिल्कुल बढ़िया से खूब बढ़िया से जाना अच्छा से आना एकदम। दीदी ने पूरा रेडी किया से उस से उठ उठ के अपने हाथों से खिला उला के सबको कि जाओ ध्यान से जाओ दीदी। और इन दीदी ने पूजा करी कि बारिश रुक गई वरना सुबह से इतनी तेज बारिश आ रही थी ना। श्री शिवाय नमस्तु भी भोलेनाथ। तो बस अब बिल्कुल पैकिंग हो गई है और अभी हम जाएंगे नीचे और नीचे भी हमारा पूरा पैक हो चुका है। मैं चलती हूँ अभी नीचे फिर नीचे का सीन दिखाती हूँ कि क्या है। और ये देखो एक और ब्लॉगर को दिखाती है। ठीक है बोलो। सो गाइस देखो अभी अपने केटीएम पे सब कुछ भर चुका है। ठीक है और पूरा जुगाड़ और एक जुगाड़ मेरे पीछे है। ठीक है और ये रहा एबीएस। वैसे बात नहीं कर रही गुस्सा तो अभी भी हूँ। ठीक है शिवू बाय। सच ये जितना बोलता है ना बिल्कुल एकदम चीकू वाली याद आ रही है मेरे को। मेहनत कर दो मैम So, अभी सब कुछ बन चुका है अब बस निकलने की देरी है और बहुत मजा आने वाला है। देखो मेरा हेलमेट मस्त है ना। हम लोग जा रहे हैं अभी। हम लोग कहाँ जा रहे हैं आप लोग एक बार गेस करना एक बार कमेंट में जरूर बताना। बाकी मैं आप लोग को बता देना चाहता हूँ कि मैं अभी यहाँ से बहुत लंबी दूरी सफ़र करने वाले हैं। तो गाइस मैं अभी जस्ट बहादुरगढ़ से निकल रहा हूँ। इस रोड पे आपको देख करके पता चल गया होगा कि बारिश हुई है। यहाँ से यू टर्न लेना पड़ेगा यार। रॉन्ग साइड आ गया मैं गलत रास्ते आ गया मैं। चाइंडी है जो मेरे साथ में अभी चल रहा यू टर्न थोड़ा ट्रैफिक देख करके पार करना होता है। डर भी लगता है और मैं सोच भी रहा हूँ संभल के चलूँ कोई दिक्कत ना हो हमें। और बारिश का मौसम है पूरा बारिश का मौसम। ऐसा लग रहा है कभी भी बारिश हो सकती है कहीं पे भी। इधर ही से दिखा रहा है देखो मेन रोड से नहीं दिखा रहा है ना। सिया को मैंने स्पेशल एक कैमरा दे दिया ताकि तुम लगा सको। इसने बोली नहीं मैं बारिश में नहीं लगा रही मत लगाओ। फिर GoPro 10 है जो मैंने अभी लिया ही है आप लोगों को वीडियो देखा भी होगा। ऐसा लग रहा है कि मतलब कभी भी बारिश हो सकती है कभी भी एनी टाइम। चलते चलते रास्ते में कहीं पर भी बरस जाए कोई ठीक नहीं है। बाकी हम अपना सेफ्टी के साथ जा रहे हैं। आराम आराम से 40 से 50 के स्पीड में हम जाएंगे। तो यहाँ से सोनीपत 41 किलोमीटर है 43 किलोमीटर तक 2 किलोमीटर मैंने कवर कर लिया तो 41 किलोमीटर बच रहे हैं। सोनीपत से मुझे पानीपत जाना है। सोनीपत से पानीपत का जो डिस्टेंस है वो कम से कम होगा तो 60 किलोमीटर के आसपास। तो गाइस मैं अभी पेट्रोल डलवा रहा हूँ। ये सर ने डलवा रखे है ना ये मेरे को बताया भी नहीं धोखा दे दिया। हाँ देख रहा हूँ चालू कर दो। तो अभी चल रहे हैं चलते रहेंगे एक मंजिल आएगा ही पहुंचूंगा कभी ना कभी। सैंडी आगे वो देखो मेरे से आगे भाग रहा है बकाज। ये रहा सैंडी। ओए अरे सारा कर दिया कि आजा भाई आगे। ये लगता है बंद है ऊपर से अभी फ्लाईओवर बन रहा है ना वो बन रहा है ना। मैं ज़्यादा स्पीड भगाता भी नहीं हूँ। जहाँ पे हाईवे दिखती है जहाँ पे मतलब रोड खाली दिखती है वहाँ पे मैं 70-80-90 तक ले जाता हूँ 100 तक भी ले गया। लेकिन ज़्यादा से ज़्यादा मैं कोशिश करता हूँ कि 40-50 से 60 के बीच में हम रहें। तो गाइस अभी मैं पानीपत वाला रास्ते में हूँ और मैं सोनीपत क्रॉस कर चुका हूँ। बोर्ड में लिखा होगा लेकिन किलोमीटर नहीं लिखा हुआ है यही से दिख रहा है। बाकी मैं वहाँ पे पानीपत में रुकूँगा वहाँ पे कुछ चाय वाय पियेंगे। मेरे पीछे अभी सैंडी है पगली ये क्या कर रही है। जल्दी तैयार हो ला जल्दी ठीक है इतनी तेज हवा चल रही है ना कि मैं बता नहीं सकता। बाकी इधर देख करके आपको पता चल जाएगा देखो कितने तेज हवा चल रही है।
मैं दिखाता हूँ यार, मैं पीछे दिखाता हूँ, ये देखो मेरे बाइक का हाल क्या हुआ, ये देखो उस का बाइक का पीछे, उसके पीछे कुछ भी नहीं है, ऐसा गंदा है, मेरे पीछे देखो तो कितनी गंदगी है, ये देखो पागल लड़का। अभी मैंने थोड़ी देर के लिए रुका था, वो 66 किलोमीटर अभी भी रह रहे हैं पहुंचने में, ये डिसाइड किया है कि कम से कम 100 किलोमीटर यहाँ से कवर कर ले, उसके बाद कहीं पे रुकना है। इतनी तेज हवा चल रही है, इतनी तेज हवा कि भाई यार क्या हो रहा है यार, देखो ये देखो ये देखो, मतलब ये इतनी तेज लहर मार रही है ना, इतनी तेज, कभी राइट साइड से कभी लेफ्ट साइड से, दोनों साइड से मेरे को परेशान हो गया यार। मैं हार नहीं मानने वाला, मैं चलता रहूंगा, जरूर एक मंजिल तक पहुंचूंगा। तो गाइस अभी हम यहाँ पे रुके थे क्योंकि मेरा मोबाइल डिस्चार्ज हो गया था और पीछे मेला लगा हुआ था, तो ये सैंडी बोल रहा था चलो मेला में चलते हैं, भाभी जी भी बोल रही थी, तो मैंने बोला नहीं यार अभी वो पीछे से मेरे को 2 किलोमीटर वापसी आना पड़ेगा, फिर जाना पड़ेगा। मैडम जी कैसा लग रहा, कैसा लग रहा गाइस अभी चल रहे हैं हम क्योंकि अब टाइम ज्यादा नहीं, यहाँ पे भी 10 मिनट खराब हो गया। मैं अब निकल चुका हूँ, इसका इतना सामान है, इतना सामान है आपको दिखाऊंगा क्या क्या लेके आई है। अब मेकअप का सामान तो अब मत पूछो भाई, अमृतसर यहाँ से सीधा, अम्बाला भी सीधा, लुधियाना भी सीधा, जलंधर भी सीधा, अम्बाला कैंट भी सीधा, हर रास्ते सीधे सीधे हैं, तो सीधे सीधे चलते रहो, आपको अम्बाला अमृतसर लुधियाना हर रास्ते यही से ले जाएगी। हाँ इतने दूर से आने के बाद पहली बार ट्रैफिक पुलिस दिखी है, जब से मेरे को दिखी नहीं है, हरियाणा से मैं चला था बहादुरगढ़ से, और यहाँ जाके अम्बाला से पहले, अम्बाला सिटी से पहले ही वो पुलिस दिखी है। ढाबा का इंतजार कर रहा हूँ कि कोई एक ढाबा मिल जाए, अब तक एक ढाबा नहीं मिली है, खाली खाली रोड है यार, बगल में कोई ढाबा नहीं है, बाकी कोशिश कर रहा हूँ कि मिल जाए तो और अच्छी बात है, हम रुक करके कुछ खाना वाना खा लेंगे, पड़ रहे है ही नहीं, क्या करूँ। ये देखो यहाँ पे लिखा हुआ चंडीगढ़, कितना किलोमीटर हो सकता है, हवा दिखी है तो चले, ये एक ढाबा दिखी है, अभी काफी रास्ता तय करने के बाद अभी बच रहा है मेरे को यहाँ से 136 किलोमीटर बस ओनली। अब मैंने सोच रहा हूँ कि उस खा लेता हूँ क्योंकि ओ कचड़ा, बाकी आगे चल रहा हूँ और चल के कुछ खा लेता हूँ, और मेरे घर से दीदी ने बना करके भी दी थी वो भी खाना। ओ भाई साहब मेरी गाड़ी तो यहीं पे, तो ये है ढाबा, ओ एम जी भाई साहब, देखो कपड़ा भी है वहाँ पे, तौलिया भी है, अगर लेना चाहते हो तो ले सकते हो, उतर जा ये हमारी पागल कैसी लग रही है, ये उधर देखो इधर देखो दोनों को देख लो कैसी लग रही है, देखो देख लो अपने सिया को भाई, यार मेरी धनों को देख लो यार, मेरी धनों तो कैसी लग रही है, पूरे गंदा हो सक चुकी है ये, आगे से देख लो, मैं आपको पीछे से दिखाता हूँ, ये पीछे से तो भाई भाई साहब मेरा तो खत्म हो गया, तुम्हारा इसका देखो, इसको कुछ भी नहीं हुआ यार, ऐसे क्यों होता है यार मेरे गाड़ी पे ऐसा क्यों होता है, तुम्हारा नीचे तक है ना थोड़ा, इसलिए है ना, मेरा थोड़ा ऊपर है ना, यहाँ तक होता तो शायद पूरा गंदा हो, ये ले हाँ बोलो, खाने पीने का ऑर्डर कर लेते हैं, खा लेते हैं, हाँ खाते हैं खाते हैं, हाँ फटाफट ही करते हैं बस, पूरे रास्ते दिमाग खा कर लिया यार, पूरे रास्ते लड़ते गए ये, वो गाइस अभी खाने का तैयारी करते हैं, बारिश तो नहीं होगी, खाने में क्या ऑर्डर करना अभी तो है, और क्या मंगाना है सिया, ये तो कुछ बोल, तो गाइस अभी मैं होटल में आया हूँ और कुछ खाना वाना खाऊंगा, बाकी ये देखो सैंडी और ये भाभी और ये रही सिया, ये देखो इसको दिखाता हूँ, ये एक घंटे से काम क्या कर रही है, क्या कर रही है, यहाँ का पूरा काम किया, इसको फ्री में खाना खिलाया जा रहा है, देखो कितनी राइड होगी, अभी 500 किलोमीटर और है, हाँ 500 किलो, तुम्हें मजाक लग रहा, लोकेशन में दिखा दूँ मैं, कहाँ जा रहे हैं पता है तुम्हें, इतने जैकेट पहन रखी है, इतने जैकेट मेरी दीदी ने इसको पहना दिया है, जबरदस्ती ये पहनो, मैं अभी खाना वाना खाता हूँ, बाकी कैसा लग रहा हूँ वो भी बता दूँ,
ये लो ये कुछ बोलेगी। तो गाइस अभी मैं यहां पे ढाबे पे आई थी, ये देखो देख लो ढाबा कितना अच्छा खाना है, दिखा तो दो। हाँ दीदी ने क्या खाने में भेजा है वो निकालो। मैं पहले आपको दिखा देता हूँ कि मेरी दीदी ने क्या क्या खाने में दिया है, अल्फी को जानते होंगे आप लोग। और इसमें है लिट्टी, बाकी खाते हैं और खाते पीते हैं, उसके बाद आपसे मिलते हैं। हम क्या कर रहे हैं कि मेरी दीदी के हाथ से बनाया हुआ लिखुआ मैं खा रहा हूँ, शायद दीदी देखेगी तो वो बोलेगी कि हाँ खा रहा था। बाकी चाय ऑर्डर कर दिया हूँ, देख लो पीछे से आ रहे हैं, चाय मैं पी रहा हूँ, बाकी इसका पता नहीं। और यहाँ पे पूरी प्लेट भर के आई थी, सब खाली कर चुके हैं ये लोग, ठीक है। ये लोग लगता है ये तो खा ही नहीं है, मैंने कुछ नहीं खाया, मैंने एक बाइट नहीं लिया है। तो यार मिलते हैं, खा रहे हैं पी रहे हैं, फिर उसके बाद मिलते हैं, अब निकलेंगे ठीक है खा पी के तुरंत। तो गाइस फाइनली हम खाना वाना सब खा लिए हैं और इधर सबका पेमेंट भी हो चुका है। अब ये पैक करेगी वो बंदी, जो लास्ट में उठेगा वो पैक करेगा। और सर जी अभी रेडी हो रहे हैं, अब हम भी अब चल रहे हैं, क्योंकि अब ये सामान यहाँ पे ला करके रख दिया था, तो मैं उठाता हूँ अब चलता हूँ। अब मेरी धनो वो रही लगी पड़ी है वहाँ पे, बाय जा रहा हूँ जा रहा हूँ। कोई बात नहीं, छोड़ो तुम चले जाओ यहाँ से, मैं जा रहा हूँ, बैठ जाओ, लेट कर लो लेट कर लो। ओहो लग क्या रही है, अभी होटल में खाना खा ली है, बहुत घूमने का शौक करता है, आओ घुमाता हूँ तुम्हें। बदला लिया जा रहा है, बदला लिया हूँ मैं, मार के ओए जल्दी आ। अरे 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 गिरेगी पागल, चोट भी लगेगा इसको। रोड पे तू नौटंकी करिए ना जल्दी, अरे अरे गिरे रे, ओए जल्दी गिर गया यार, स्टैंड नहीं लगाया था यार, आ जल्दी यार, मेरा KTM गिरा दी ये पागल ने। इतना पागल हो तुम, मैं बैठने के लिए बोला, हाँ उठाऊं कैसे, ए पागल उठा ही नहीं, हाथ लगा हाथ लगा हाथ लगा।